हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इवियन एलसी कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी डोज है और क्या इसकी प्रिकॉशंस है और क्या इसकी इंट्रैक्शंस है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इवियन एलसी कैप्सूल के बारे में। आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। इवियन कैप्सूल के बारे में बात करते हो, ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें लियोकार्निटिन और विटामिन ई, ये दो कंपोजिशन होते हैं और दोनों ही कंपोजिशन एक एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इवियन एलसी कैप्सूल को मर्क कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हो, लियोकार्निटिन इसमें 150 mg और विटामिन ई इसमें 200 mg होता है। अगर इसके MRP के बारे में बात करें तो 47 रुपये इसका MRP होता है। अगर इवियन एलसी की स्ट्रिप के बारे में बात करें तो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। लियोकार्निटिन एक प्रकार का रसायन है जो कि अमीनो एसिड से मिलता जुलता है और मानव शरीर में यह फैट को एनर्जी में बदल देता है और यह सेल को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हमें दर्द और सूजन का आभास होता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो कार्निटिन डेफिशिएंसी में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें थकान महसूस होती है और लीवर और हृदय से जुड़ी बीमारियाँ हो जाती है और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। यदि किसी पेशेंट को हाई BP की प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन है और बैक में पेन है, तब भी डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो मांसपेशियाँ और स्केलेटल मसल्स को मजबूत रखने के लिए और ताकत देने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो कुपोषण के शिकार में भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। अगर हेयर की प्रॉब्लम है तभी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तभी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर ब्रेन और हार्ट में कोई दिक्कत है तभी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इम्प्रूव स्पर्म काउंट में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो ये टैबलेट हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करती है, जैसे ब्रेन में, हार्ट में। अगर आपको ब्रेन या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूलने की बीमारी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेज हैं और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो हड्डी में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हाथ पैर में सूजन, जलता हुआ महसूस होना, पेशाब में जलन, पेट खराब होना, रक्तस्राव का बढ़ जाना, सर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें उस समय दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से ला लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। किन दवाओं के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना है। वारफेरिन टैबलेट, डिकुमारोल टैबलेट, ये कुछ टैबलेट्स हैं, इनके साथ आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है। अगर आपने इन टैबलेट्स के साथ इस टैबलेट को लिया तो हो सकता है आपको ज़्यादा ही साइड इफेक्ट्स देखने को मिले और हो सकता है जो आपने मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अगर आप इस टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि आपको इस टैबलेट के प्रति अगर एलर्जी है, तो आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसके प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टैबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी में बात करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपने इस टैबलेट को लेना है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसको ले सकती हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें तो एडल्ट्स और बुजुर्गों में भी टैबलेट दी जाती है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।